वहीं दूसरी ओर कोलकाता में अस्पताल में हजारों की संख्या में घुसे दंगाइयों के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी इसे सबूत मिटाने की साजिश बता रही है, तो वहीं टीएमसी ने आरोपी पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए एविडेंस मिटाने की कोशिश है, जाके उसी रूम में जाके तोड़फोड़ करने के लिए गए, लोगों को डराने के लिए गए, जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, जो डॉक्टर, उनको डराने के लिए कि वो आगे आंदोलन ना करें। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा ये लोग बंगाल में एनआरसी चाहते हैं, साथ ही उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश उन्नाव हाथरस प्रयागराज गुजराटे बिल्किस परिवार হয়েছে मुख्यमंत्री बाड़ी अभियान করে मुख्यमंत्री इस्तीफा তারা চেয়েছিলেন। इधर पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी इस मामले में एक्शन में आ गए और कोलकाता की आरजी कर अस्पताल पहुंच गए। और गवर्नर सीबी आनंद बोस ने हालात का जायजा लिया और डॉक्टरों के साथ मुलाकात की और मामले में इंसाफ का भरोसा दिया। राज्यपाल ने इस घटना की निंदा की और कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच आरजे कर अस्पताल के प्रिंसिपल को प्रदर्शनकारियों का विरोध झेलना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और प्रिंसिपल गो बैक के नारे लगाए। इस मामले में सीबीआई जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पीड़िता के माता पिता का बयान दर्ज किया गया।